रुक करते हैं भिवंडी के स्वर्ग इंदिरा गांधी अस्पताल की ओर, जहां पर विशेष तौर पर भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले का दौरा देखने को मिला। दौरा भिवंडी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संतोष शेट्टी उनके साथ में, आप देख सकते हैं कि भिवंडी मनपा के विरोधी पक्ष नेता यशवंत तावरे, साथ में आप देख सकते हैं हर्षल पाटिल, रवि पाटिल, रवि गुज्जा सहित भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मिलकर भिवंडी के स्वर्ग इंदिरा गांधी अस्पताल के जो सीएमओ थे डॉक्टर अनिल थोरा, जो कि अधिकारी हैं, इनके साथ में पूरे अस्पताल में उन्होंने दौरा किया। हम आपको बता दें कि पूरे देश दुनिया में जो कोरोना वायरस को लेकर लोगों के अंदर एक भय का माहौल सा बना हुआ है, उसको लेकर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका द्वारा और साथ ही साथ स्वर्ग इंदिरा गांधी अस्पताल के माध्यम से यहाँ के नागरिकों के लिए क्या सुविधा उपलब्ध कराई गई है, इसको लेकर विशेष तौर पर आमदार जो विधायक है महेश चौगले ने दौरा करते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है काफ़ी पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनसे भी वहाँ पर लोगों से वार्तालाप किए और उनकी राय ली कि अस्पताल में उन्हें सुविधा पूरी तरह से मिल पा रही है या नहीं। और वहीं हम आपको बता दें कि मरीजों के हाथों में सैनिटाइजर वितरण करते हुए नजर आए, लोगों को साफ सुथरा रहने का एक संदेश दिया और कहा कि कोरोना वायरस से कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए विधायक महेश चौगले, साथ में संतोष शेट्टी विरोधी पक्ष नेता जो कि यशवंत तावरे और स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय के डॉक्टर अनिल थोरात ने अपने वक्तव्य में जानकारी दी और क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट को। आज पूरे देश में कोरोना का एक वायरल, इसकी हवा चल रही है, उसके लिए हजारों लोग मर रहे हैं और लाखों लोगों को उसका तेजी से असर हो रहा है। तो ये अपने भारत देश में भी आया है, तो इधर भारत देश में 137 के ऊपर आज पेशेंट है। अभी महाराष्ट्र में भी 42 कुछ तो पेशेंट सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। तो इसके लिए सतर्कता के लिए शासन ने अलग अलग योजनाएं बनाई है और सब जगह सतर्क लोग रह रहे पूरे देश में, लेकिन एक भिवंडी ऐसा शहर है इधर कोई सतर्कता नहीं है। इसके लिए हम इधर आके देखे तो इनको थोड़ी सूचना दी है कैसा रहना है और आम पब्लिक को भी बोलता है तुम इधर आ रहे हो पेशेंट लेके, पेशेंट को लेके आओ, लेकिन उसके साथ में उसके परिवार के लोग मत लाओ। यानी चार पाँच एक पेशेंट के साथ आते तो उसके लिए बहुत ज़्यादा गर्दी हो रही है और इधर वो हर एक आदमी को, क्योंकि ये बीमारी है तो इसके वजह से एक बीमारी लग जाएगी पूरे तो आके इसमें खा जाएगी, क्योंकि ये चाइना की बीमारी पूरे वर्ल्ड में चालू हो गई। तो इसके लिए आप पूरे भिवंडी वासियों सतर्क रहो, डरो मत और एकदम डर बिंदास रहो। ये ऐसा अभी तक भिवंडी में एक भी पेशेंट नहीं, लेकिन सतर्कता रखनी अपना काम है, क्योंकि इसके वजह से आगे जाके अपन कोई ये आज ये पूरी भिवंडी अपने कंट्रोल में है, आगे जाके वो कंट्रोल में नहीं रहे ऐसा कुछ काम होना नहीं चाहिए। इसके लिए हम हर जगह जा रहे और हर पब्लिक को और आम आदमी को समझा रहे क्या ज़्यादा भीड़ मत करो। लोगों को बीमार आदमी रहेगा उसको तुम डायरेक्ट तुरंत हॉस्पिटल में ले जाओ और हॉस्पिटल में इधर अच्छी व्यवस्था करके रखी है, कहीं ऐसा को एक भी मरीज आया तो उसके लिए डॉक्टर साहब, ये सब थोरात साहब है, दुले साहब है, इन्होंने सब ने अच्छी व्यवस्था की है, इधर बेड बना के रखा, आईसीयू रूम बना के रखा है। तो जल्द से जल्द किसकी मालूमात हुई तो जल्द से जल्द IGM में आइए और नहीं तो किसको बताइए और उसके जल्द से जल्द इलाज हो, ये जो वायरल है वो आम लोगों में ना फैले। इसकी सतर्कता हर एक आदमी ने लेनी चाहिए, पूरे भिवंडी वासी ने और देशवासियों ने लेनी चाहिए। इसके लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष संतोष शेट्टी है, इन्होंने हर्षल पाटिल है, यशवंत तावरे है, ये सब मिलके हम ये लोगों को सतर्कता दिखाने चाहते हैं। प्रदेश से भी फोन आया था, बातें हमारे आमदार को लेके हम IGM में और ऐसी सुबह से चार पाँच दवाखाने में घूम रहे हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं, खाली हमको सतर्क रहना है, खाली हमको संभालना है, खुद को संभालना है, हाथ साफ रखना है, मुंह में रुमाल रखना है, जरूरी नहीं कि मास्क पहने, खाली सतर्क रहना है, ज़्यादा भीड़ नहीं जाना है। आज बहुत से शादी का हॉल कैंसिल किए, सभी शादी बोल रहे कैंसिल हो गया, तो आज यहाँ भी थोड़ा सा में हमारे दूल्हे है, हमारे कमिश्नर ने महापौर ने कल मीटिंग लिया, तो मैं भी आम पब्लिक को ये कहूँगा भीड़ भाड़ में नहीं आए, यहाँ पे कुछ कमियाँ हैं, आप थोड़ा साहब को उसके बारे में बताइए, हमारे दूल्हे साहब को बताए, मैं प्रांत साहब को कॉन्टेक्ट करूँगा, उनको बोलूँगा, तो खुद ही हम सबको हमारा ध्यान रखना है। का विशेष तौर पर दौरा और दौरे के दरमियान यहाँ पर काफ़ी पेशेंट भी है, लेकिन सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हम लोगों तो तैयारी में है, पूरी तैयारी में है, कॉरपोरेशन है, प्रांत साहब है, तहसीलदार साहब है,
हमारे आयुक्त साहब हैं, हम सब लोगों ने एक कोर कमेटी बनाई है इसके बारे में, इसके लिए मुकाबला जो अगर कुछ होता है तो मुकाबले के लिए हम तैयार हैं, आइसोलेशन वार्ड्स तैयार है, क्वारंटाइन हॉल्स तैयार है, हम लोग पूरी तैयारी में। और आज जो आमदार साहब यहाँ पर आए, रिस्पेक्टेड संतोष शेट्टी साहब आए, शिव टावरे साहब आए, उन्होंने बहुत सारी सूचनाएँ हमको दी कि जो पेशेंट्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, उनको कम से कम एक आदमी के साथ, एक पेशेंट के साथ एक आदमी आना चाहिए, और जो भी पेशेंट एंट्री करते हैं उनके हाथ पर हम सैनिटाइजर यूज़ करें। ये बहुत अच्छी सूचनाएं दी हैं, हम लोग उसका उनका पालन करेंगे जितना जितना। मैं तो लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि इससे डरिए मत, और सबको मास्क या ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी खांसी बुखार है उसने ये मास्क यूज़ करना चाहिए। और जो डॉक्टर्स हैं, जो मरीज के साथ या स्टाफ है जो मरीज के साथ काम करते हैं, उनको ये यूज़ करना कंपलसरी है। में जो हम लोग सब लोग आके देख रहे थे, तो यहाँ पे कोई ऐसी अच्छा काम नहीं हो रहा था, जैसे कि इन लोग बोल रहे कि सैनिटाइज की बॉटलें आके पड़ी थी, लेकिन इन लोगों ने रुक के जो भी आदमी अंदर जा रहे उसको दे के ही काम होना चाहिए था। तो हम लोगों ने, आमदार साहब ने, संतोष शेट्टी साहब ने और सभी लोगों ने उनको निर्देश दिया है। डॉक्टर साहब बोल रहे कि हम लोग तैयारी में है, लेकिन इस तरह से तैयारी नहीं होती, ताकि प्रैक्टिकली उतरना चाहिए वो लाइन पे। जैसे कि जो भी मरीज अंदर आ रहे उसको हाथ में सैनिटाइज लगाओ, जिसको खांसी बुखार है उसको मास्क दे दो अगर है तो, ये सब चीज़ें होना चाहिए था। और वैसे हम लोगों ने भी उनको बोल दिया है सभी लोगों ने, और वो अमदार साहब ने भी बता दिया है, अमदार साहब ने जैसा बताया उनको डायरेक्शन दिया है, उस तरह से काम होना चाहिए, ना कि करेंगे नहीं, होना चाहिए। यहाँ पे गेट पे खड़ा होना जरूरी है रेगुलर, कि जो भी आदमी अंदर जा रहे उसके हाथ में सैनिटाइज लगा के ही अंदर एंट्री देना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़, धन्यवाद।